YouTube चैनल स्माइल विद पल्लवी। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो है Q&A, तो क्वेश्चन एंड आंसर जिसको कहते हैं। तो आज मैंने आपके साथ एक दूसरा वीडियो शेयर करी हुई, मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने आपको Q&A का आंसर देने वाली हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूंगी लास्ट में, आपको अगर देखना है तो वो भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था वो भी। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया, नए नए लोगों ने। तो उन लोगों को क्यूरियस है थोड़ा जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ऑल मेरे ब्यूटी ब्लॉग है तो उसमें और कोई क्यों नहीं आता, सिर्फ मैं ही क्यों आती हूँ, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे DM पे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर देती हूँ जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगी सबके क्वेश्चन के आंसर मैं दे लूँ। तो दोस्तों पहले चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं ऐसे कौन सी चीजों की बात मैं करने वाली, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझे पूछे जा रहे हैं बार बार, उसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको पता है क्या करना, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे छोटा सा बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप मेरे डेली वीडियोस देखते रहे। मेकअप है, स्किन केयर है, हेयर केयर है और बहुत सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और इस पे आप मत जाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आज मेरे हाथ में लग गया है एक कट जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो अभी मैंने लगाया हुआ है इस पे हैंड प्लास, बहुत दर्द हो रहा था। तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती, बट काम करना है तो करना है, कुछ भी होता रहे। आसमान क्या कहते हैं इसको पता नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर जॉब एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। पहला ही क्वेश्चन क्वालिफिकेशन पे, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मेरी जॉब है, एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, इससे आपको जॉब को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। मैंने क्या हुआ है MBA HR से, और मेरी जो जॉब है वो है HR से रिलेटेड, मतलब HR हूँ मैं, और साथ में मेरा YouTube का चैनल भी है, तो बट मैं प्रोफेशनली मैं HR हूँ। ओके ऑलराइट, और MBA क्या हुआ HR से, तो ऑब्वियसली जिस जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, आप जिस चीज से MBA करते हो उसी में आपको जॉब करनी होती है। ऑलराइट, सेकेंड है इंडियन यूट्यूबर स्नेहा का है, व्हाई आई स्टार्टेड, मतलब मैंने क्यों स्टार्ट किया यूट्यूब और कैसे किसने मुझे इंस्पायर किया। तो मुझे मैंने क्यों स्टार्ट किया यूट्यूब, तो सबसे पहले तो मैं मेकअप का मुझे बहुत शौक है और मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि जो मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत भी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ, तो इंस्पायर्ड तो ज़्यादा मतलब मैं देखा करती थी पहले, जब मेरा खुद का चैनल नहीं था तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखा करती थी जिससे कि मुझे अच्छा लगता था देखना, तो मैं सोचती थी कि यार ये सब तो मुझे भी आता है, मैं भी इसको शेयर कर सकती हूँ। तो इंस्पायर्ड अगर हूँ तो आप कह सकते हो एक है दैट ग्लैम गर्ल, दूसरा है शाय स्टाइल्स, तीसरा पूजा लूथरा, ये तीन का मैं चैनल देखती थी और सीरियसली ये लोग बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो इनसे मैं इंस्पायर होकर के अपना यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। ऑलराइट, ट्रेंडी म्यूजिक मुझसे पूछ रहे हैं, आर यू सिंगल और मैरिड। ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है यार, एक ये देख लो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। मैं मैरिड हूँ, सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ, और गले में मंगलसूत्र हमेशा नहीं रहता है क्योंकि अब यार ऐसा जमाना आ गया है और बहुत सारे ऐसे मुझे लुक क्रिएट करने होते हैं जिससे मुझे मंगलसूत्र निकालना पड़ता है, बट यस आई एम मैरिड। भावना कुशवाहा का सवाल है, क्वेश्चन है, शेयर योर यूट्यूब जर्नी, आपको किसने इंस्पायर किया। अगेन सेम क्वेश्चन, मेरी यूट्यूब जर्नी एज सच कुछ नहीं है, स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, मतलब वन ईयर हो गए, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इतनी कंटिन्यूस नहीं डालती थी, एक दिन डाला, 10 दिन छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, ऐसे करते करते मैं 6 महीने 8 महीने तक 6-8 months तक मैंने ऐसे ही अपना वीडियो कभी डालती थी कभी नहीं डालती थी, वीडियो कभी अपलोड किया कभी अपलोड नहीं किया, बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे कंटिन्यूस जो है वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो मैंने वीडियो कंटिन्यूस अपलोड करना स्टार्ट किया। और क्वेश्चन ये था कि मेरी जर्नी तो मेरी ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ, जैसे कि स्किन केयर हुआ, DIY हुआ, हेयर केयर हुआ, आपको स्किन केयर रूटीन हुआ, नाइट स्किन केयर, डे स्किन केयर हॉल, बहुत सारी चीजें ऐसी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे स्टफ देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे। रिदोरी पूछ रहे हैं, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं शादी हो गई है मेरी और मेरी प्रॉपर अरेंज मैरिज हुई है, क्या करूंगी बॉयफ्रेंड बना के, यार टाइम सब टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है, सब
एकदम टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट। ओके तो माहिस किचन, माहिस किचन पूछ रही है सम सजेशन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको सजेस्ट ये करना चाहूंगी माही जी कि अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, आपको यू नो ट्रैवल व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, आपको पर्सनल व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में होगा तो ही आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आप किसी को देख करके आपका वीडियो अपना चैनल स्टार्ट करोगे तो आप ट्रस्ट में आप बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि किसी का देखा देखी हम बहुत दिन तक उसको नहीं चला सकते हैं। कुछ दिन ही होता है हमारा, वो हमारा पैशन नहीं बन पाता है, वो हमारा सिर्फ यू नो किसी की कॉपी करना हो जाता है। तो अगर आप किसी की कॉपी करके बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो, अगर आपका पैशन है कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक जो है चूज कीजिए, उसके बाद जो है आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओजी राजा, अरे यार सीरियसली इनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, कीप इट अप, आई सब्सक्राइब टू योर चैनल। थैंक यू सो मच ओजी राजा जी, थैंक यू सो मच नीली जी, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सीरियसली इट मीन्स लॉट टू मी, क्योंकि आपका चैनल आपके आपके जो वीडियोज होते हैं सीरियसली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो नो वर्ड्स फॉर दैट। और ये कुछ दिन पहले ही हुआ है, आप लोगों ने मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मुझे कमेंट में बोला, तो सीरियसली उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े यूट्यूबर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। ऑब्वियसली अभी मैं उतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बट ओजी राजा के वीडियोस गाइस अगर आपने नहीं देखे जाके देखिएगा। सीरियसली मैंने एक लुक भी क्रिएट किया है, नीली का लुक क्रिएट किया हुआ है, वो किसी फंक्शन में गए थे, अवार्ड फंक्शन में नहीं किसी फंक्शन में गए थे वो, और उस फंक्शन में उन्होंने जो लुक क्रिएट किया था वही लुक मैंने क्रिएट किया था उनका, मतलब यू नो थोड़ा सा लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप कह सकते हैं, तो वो लुक आप देख सकते हैं। और सीरियसली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। ओके प्रेक्षा पूछती हैं, प्रेक्षा जैन पूछती हैं, आप अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करो। तो प्रेक्षा जी मैंने अपना रूटीन शेयर किया हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगी यहाँ पे आई बटन पे, तो आप वहां से जाके मेरा स्किन केयर रूटीन देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपकी स्किन कैसे इतनी फ्लॉलेस रहती है, कैसे इतनी यू नो कोई पिंपल नहीं है, कोई ब्लैकहेड्स नहीं, कोई डार्क सर्कल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डियर ये इट्स ऑल अबाउट स्किन केयर, और थोड़ा बहुत मेरी जेनेटिक भी है, बट अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन अच्छे से करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्किन केयर से रिलेटेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नोरवाल म्यूजिक का, हाउ इज दैट यू ऑलवेज मेक अ ग्रेट स्टफ। थैंक यू सो मच, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच। इंडियन फूड वीडियोस यम्मी टेस्टी, मैं आपकी वीडियोस बहुत लाइक करने लगी हूँ, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे वीडियोस भी आते होंगे जो यम्मी टेस्टी, इतना बड़ा नाम है आपके चैनल का, तो ऑब्वियसली आप बहुत ही यम्मी यम्मी फूड बनाते होंगे, आई एम श्योर मैं आपका चैनल कभी देखूंगी जरूर से। और थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो को इतने अप्रिशिएट किया। कविता, यूट्यूब में सबसे ज्यादा किससे फॉलो करते हो? सबसे ज्यादा एक्चुअली पता है, मैं रियल बात बताऊँ, एकदम रियल वाली बात बताती हूँ, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है ना तब से मैं ज्यादा किसी को फॉलो कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मेरे पास पहले मेरा ऑफिस का काम रहता, उसके बाद मेरा यूट्यूब का काम रहता, और ट्रस्ट में गाइस आप जो 5 मिनट्स का वीडियो देख के चले जाते ना उसके लिए उसके पीछे 1.5 से 2 घंटे मिनिमम मेहनत रहती है। कभी कभी तो क्या होता है कि हम अपना वीडियो एडिट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वॉइस ओवर कर लेते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हैंग हो जाता है, या हमारा मोबाइल है, मोबाइल तो बहुत कम हैंग होता है, बट सॉफ्टवेयर कभी करप्ट हो जाता है, कभी फाइल करप्ट हो जाती है, कभी हैंग हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं गाइज। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है कि मैं किसी को फॉलो कर पाऊँ, मैं अपने आप को फॉलो कर लूँ ये बहुत बड़ी बात होती है, तो अभी मैं फिलहाल किसी को नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। पिंकी सेन गुप्ता, You look beautiful. Oh my God, thank you. A kit moho one day. आप कहाँ से belong करते हो? मैं belong करती हूँ यूपी से, लखनऊ से, और नवाबों की नगरी है लखनऊ, तो मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, मैं यूपी से हूँ। और सीरियसली लखनऊ बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और वहाँ पे जो फेमस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे जो चिकन वर्क होता है ना, खाने वाला चिकन नहीं, चिकन की एम्ब्रॉयडरी होती है ना, उसके जो कपड़े होते, कुर्ती कुर्ते मेल फीमेल सबके आते, किड्स के भी आते,
अल्टीमेट होते, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने शायद एक दो वीडियो बनाए थे अपने चिकन एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती में, तो आई डोंट नो, मैं आपको सर शेयर मिलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, यूपी से। युविका खंडेलवाल, आपकी फैमिली में कौन कौन है? वीडियो में कोई नहीं दिखता, क्यों? एक्चुअली युविका जी, मेरे साथ ये है कि मेरा है जो चैनल है वो ब्यूटी ब्लॉग है, ओके, और जो मेरा ब्लॉग है वो पर्सनल ब्लॉग नहीं है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा पाऊँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद मेरा भी काम रहता है, ऑफिस रहता है, जब ऑफिस नहीं रहता मेरा यूट्यूब का काम रहता है। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं और मैं यहाँ पे बैठ कर यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहती हूँ और कुछ कुछ अपना ऑफिस का काम करती रहती हूँ, इसलिए मेरे वीडियोज में कोई नहीं दिखता है। और किसी दिन अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं अपने हस्बैंड के साथ एक ब्लॉग, एक चैलेंज करने का बहुत मन है मेरा, तो देखते हैं कब उनके पास टाइम होता है, तो मैं जरूर चैलेंज शेयर करूंगी। कुछ भी चैलेंज, ऐसा ईटिंग कॉम्पिटिशन, ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन, मतलब कोल्ड ड्रिंक कॉम्पिटिशन, और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर उनके पास टाइम रहा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरे पास भी तो, मेरे पता क्या होता है, लाइन बैक टू बैक वीडियोज लाइनअप होते हैं, तो चार पांच वीडियोस पहले से इतने लाइनअप होते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उनसे बोलूं, क्योंकि मैं कब करूंगी मेरे को यही समझ में नहीं आता, तो इसलिए जो है मैं कभी मुझे टाइम मिले जरूर। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे Q&A, अगर आपको अच्छे लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो साथ, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय गाइस।